स्थिति में अगर आप इतना बड़ा घोल मेल कर रहे हैं, आप सीधा सीधा बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। अरे लो, हम काहे ज्वाइन करो, हम तो रोज मूत रहे हैं उनके चेहरे पे, और विनय दुबे ना उनके शौचालय में मूतने ना जाए, बीजेपी ज्वाइन करना तो बहुत दूर की बात है, और काहे हम ज्वाइन करेंगे, आप चले जाइए, बहुत प्यार आ रहा है, आपने आपको काम दिख रहा है, पत्रकार का काम है। नहीं नहीं, आपने क्या कहा कि इलाहाबाद से बनारस आपको 2.5 घंटे लगते हैं जी, और जब जीटी रोड एकदम क्लियर था तब आपको 6 घंटे, तब सिंगल रोड थी, अब वो हाईवे बन जीटी रोड को बने कम से कम 20-15 साल हो गया सर। नहीं तब सिंगल मैं रोड खुद और आई से हूँ, सिंगल रोड की बात नहीं, मैं जीटी रोड की डबल लेन की बात कर रहा हूँ, सीमेंटेड, जो सीमेंटेड रोड को तोड़ के आज उस पर फ्लाईओवर बनाया गया जी, कहीं कहीं चल रहा है, कहीं कहीं आज भी काम चल रहा है जी। आपको मोहन सराय से अगर अंदर आना है बनारस की तरफ, आपको 1.5-1.5 घंटा सिर्फ मोहन सराय से राजा तला से मोहन सराय पहुंचने में लगता है। आप ये तो रही रोड की बात, आपको अभी पता नहीं चूंकि आप मुंबई में रहते हैं जी, मैं भी मुंबई जाता हूँ, रोड जो है इलाहाबाद से प्रयागराज से बनारस की जो स्थिति पहले थी कि लोग 5 घंटे में 6 घंटे में पहुंचते थे, अब लोग 2.5 घंटा 3 घंटे में पहुंचते एकदम अच्छी। सरकार ने किया ना काम, किया है, बने सरकार काम नहीं कर रही है, फ्लाईओवर बना है उसका स्वागत है, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ, ये भी बात आप एडमिट करिए, काम पूरा हो गया है उस रोड का। हाँ, इस बात से ये चीज जाहिर होती है, फ्लाईओवर बना है उसका स्वागत है, स्वागत है ना, काम हो रहा है ना, काम हो रहा है लेकिन पूरा नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, तो इस बात से ये जाहिर होता है कि बीजेपी सरकार में काम हो रहा है। भैया काम कैसे हो रहा है हम बता रहे हैं, आपका उसी ब्रिज का उदाहरण ले लीजिए, उस ब्रिज को बनाने में, वो सड़के बनाने में डेडलाइन थी 2018 की जी, आज चल रहा है 2020 जी, उस समय उसका टेंडर हुआ था 12,000 करोड़ रुपए में जी, आज उसकी कीमत है 28,000 करोड़ रुपया जी, वो पैसा आपके जेब से जा रहा है, 12,000 में जो काम होना चाहिए था उसी काम के लिए आप 28,000 दे रहे हैं, और 3 साल ज्यादा लग रहा है, अभी भी काम पूरा नहीं। WHO तो कह रहा है GDP बहुत अब सुधर रही है। हाँ सुधर गई है, -24 से अभी -23 पे आ गई है, -1% का फायदा हुआ है, मजा करिए, दिवाली मनाए। कांग्रेस की सरकार में तो जब GDP 7 पे आ गई थी तो बीजेपी तो भैया 3 युद्ध में 72 का कारगिल इससे ऐसा 3 युद्ध हुआ है। आप देश हित के लिए ₹1,000 का सिलेंडर नहीं खरीद सकते भैया। एक बात बताइए, चाइना वाले हमारे जो सैनिक हैं -24 डिग्री में वहाँ बर्फ में रह सकते हैं, हम -24 GDP पे नहीं रह सकते, कहने का तो आप ये भी कह सकते हैं, जब हमारे सैनिक वहाँ पे -24 डिग्री में सियाचिन में ड्यूटी करते हैं तो हम -24 का जो हमारा GDP है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। ग्रोथ के लिए अगर सरकार GDP बढ़ाने के लिए डीजल 80 रुपए लीटर करती है, 500 कर दे, गैस 1,000 रुपए करती है, तो क्या देश हित के लिए जनता इतना पैसा नहीं खर्चा कर सकती भैया? 5,000 कर दे, लेकिन वो 5,000 का लेने के बाद भी नरेंद्र मोदी ये 24 का 23 कर देना तो मान जाएंगे हम लोग। अरे सब तो बेच दिया, बताइए कुछ बचा है? रेलवे प्राइवेटाइजेशन हो गया, आप जहाँ मूतने जाते थे ना पहले 1 रुपए में, अभी 15 रुपए लगते हैं, जो प्लेटफॉर्म टिकट पे एक परिवार को छोड़ने के लिए 15 लोग जाते थे ना प्लेटफॉर्म टिकट लेके, 5 रुपए 10 रुपए की, वो 50 रुपए की है, वो आप ही को लूट रहे हैं, मेरी कोई जरूरत नहीं है ना, मैं एयरपोर्ट तो देश हित के लिए कर रहे हैं ना। हाँ एकदम देश हित के लिए कर रहे हैं, बताइए देश हित का हो रहा है क्या? देश हित में आप घर देख, अच्छा सब कुछ इतना ज्यादा हो गया तो सरकार पूर्ण बहुमत से कैसे आई यूपी में? कैसा अगर सब कुछ बेच रहे हैं, सब महंगा कर रहे हैं, सरकार कैसे बहुमत से आई? बहुमत के लिए ही तो सरकार ये सब करती है, जो नोटिया लेके आप वोटिया देते हो 2,000-3,000 रुपए के लिए, यही जेबुआ से आप गारंटी दिखाइए कि कुछ 2,000 रुपए देके वोट दिया जाता है। आप अभी पटना में है, मोबाइल उठाइए और चले जाइए रास्ते पे और पूछिए क्या रेट चल रहा है वोट का, आपको हर दूसरा बंदा बता देगा कितने बिक रहा है वोट। बाकी दूर छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश बिहार चुनाव छोड़ दीजिए, अभी इस समय करंट चुनाव आप यहाँ बैठे हैं ना पटना में, चले जाइए एक वीडियो निकाल लीजिए कितना पैसा मिल रहा है, आपको पता चल जाएगा। दारू बंद है ना पटना में, कल ही आपके सामने गाड़ी के सामने दारू वाला लहरा रहा था, कैसे हो सकता है? दारू तो बंद है, सरकार ने देश हित में बंद किया है, लेकिन पटना में लोग दारू पी के गिरे पड़े। ऐसे तो शायद पूरे इंडिया देश में गांजा भी इलीगल है लेकिन बिकता है, पुलिस के हफ्ते के बाद बिकता है भैया, ये कौन बताएगा? आधी बात बता रहे हो आप, पुलिस हफ्ता नहीं ले तो यहाँ एक जूता ना चोरी हो, कर तो आप ही रहे हैं ना पत्रकार महोदय, कहीं ना कहीं आपका भी इन्वॉल्वमेंट है उसमें। हम तो दिखाते हैं, मैं आपकी बात व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पत्रकार समुदाय अगर अपने औकात पे आ जाए, हकीकत दिखाना चालू करें, तो आज ये देश की हालत नहीं होती, सब तलवे चाटने और पाकिट लेने में ना सब बिजी हैं, अपना अपना काम
होता, समझ रहे हैं ये स्थिति है देश की। आप देश के प्रति इतना लगाव कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ बोलते हुए, भैया मौजूदा अच्छा हालात में अगर सरकार बदलती है कांग्रेस की आती है तो क्या आप कांग्रेस को भी इसी तरीके से अपशब्द का प्रयोग करेंगे? साले सबके सब चोर हैं, सब मिलके बेवकूफ बना रहे हैं। क्या आप अपना रेट बढ़ा रहे हैं क्या? भैया रेट कौन देगा? अच्छा मैं सबको तो गरिया रहा, सबकी माँ बहन कर रहा हूँ, कौन रेट देगा? तो गरियाना आप बीजेपी को गरिया रहे हैं तो कांग्रेस अगर बात करती कांग्रेस को लेती है आपको तो मैं अपनी बात को साबित कर सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ साले के साले सारे चोर हैं, इसका कारण है जब भाजपा को सर विधायक कम पड़ता तो कौन सी पार्टी आगे आती है अपना विधायक देके बेचने के लिए? रेट तो कौन बढ़ा रहा है आपको पता है? जो विधायक 15 करोड़ में बिकते थे आज 45 करोड़ 100 करोड़ की बोली लगती है, पैसा कहाँ से जाता है? बोली लगने के टाइम में आप मौजूद रहते हैं क्या? देश मौजूद रहता है, मेरी क्या बात है? सारे जिनकी औकात कुत्तों के एक रोटी खाने की नहीं थी आज वो फॉर्चूनर और फाइव स्टार होटल के रिसोर्ट में जाके प्रेसिडेंशियल स्वीट में रुकते जिसका भाड़ा एक दिन का 7 लाख रुपया उनकी औकात है। और वही विधायक खुले आम भाजपा के विधायक जो भाजपा कन्वर्टेड मतलब जो कभी कांग्रेस और कभी दूसरे पक्षों में थे कन्वर्ट होके कहा बीजेपी है, वही 2,000 रुपए का लेके बच्चों को बांटते हुए वीडियो आप ही दिखा रहे हैं। विधायक अगर वो विधायक चुना जाता है अपने क्षेत्र से और विधायक बनता है और विधायक बनने के बाद वो फॉर्चूनर गाड़ी से चलता है और बड़े बड़े होटल में रहता है तो उससे आपको जलन किस बात? नहीं जलन नहीं, अच्छी बात है, काहे देश बेच रहे हैं, देश की विश्वास जनता का विश्वास वो काहे बेच रहे हैं। और मैं बात करूं पार्टी के गठबंधन की, यहाँ कोई कितने भी की हमें क्या मिलता, कौन सा हमें देने वाला है? भैया आप चुने गए, मेरे को एक बात बताइए, मैं क्यों कहता हूँ सारे सारे को चोर हैं? क्योंकि जब भी बीजेपी को जरूरत पड़ती है तो कांग्रेस वाले ही आते हैं और ये इसलिए सरकार बना लेते हैं कि ये भोसड़ी वाले जो बिकने को तैयार है ना ये सब्जी मंडी में, ये भोसड़ी वाले जो बिकने को तैयार है ना कांग्रेस के और बाकी दूसरे दलों के नेता, इसी की वजह से कांग्रेस बीजेपी का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। जिस दिन ये भड़वे बिकने बंद हो जाए ना देश की हालत सुधर जाएगी। और भाजपा की इतनी औकात नहीं है सरकार बना ले जब तक लोग बैठे हैं यहाँ पे बिकने के लिए। ठीक है, अब आप जनता को संदेश दे दीजिए कोई अपना, गालियों से नहीं, गाली नहीं, जनता को काहे गाली देंगे हम, जिसको देते एकदम खुला देते नहीं, हैं गाली नहीं, संविधान के दायरे में रहकर, एकदम संविधान के दायरे में रह के देते हैं। अच्छा आनंद सिंह की लौड़ाक सरकार बोल रहे वो संविधान के दायरे में था, काहे नहीं है पैरों का मुकदमा होता तो है उनके ऊपर? हाँ हुआ, कोई मेरे को एक दिखा दीजिए लौड़ाक सरकार बोलने पे मुकदमा हुआ है, हम भी बोलेंगे लौड़ाक सरकार उखाड़ लो मेरा। ठीक है, ये तो विनय दुबे जी जिन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी और कुछ एक मिनट अभी खत्म नहीं हुआ।